अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं चना फ्राई। तो चना फ्राई की रेसिपी में जो हमें चाहिए, सबसे पहले तो चना है जिसे हमने पूरी रात भिगो लिया है, सोया सॉस है, मैदा है 1 चम्मच, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, अंडा है, यहाँ पर 15 से 16 लहसुन की कलियाँ हैं और 1/2 चम्मच लहसुन और अदरक है, हमने इसे कद्दूकस कर लिया है, नमक है और कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च को हमने मिक्स कर लिया है एक ही में, और ऑलिव ऑयल है, हम इसमें से 2 चम्मच लेंगे, और रेड फूड कलर है, इसे हम थोड़ा सा डालेंगे कलर आने के लिए। तो अब जी हमारे सारे मसाले हैं, अब हम इसे 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे इसमें। तो जो लहसुन है हम इसे अलग रखेंगे फ्राई के लिए। तो अंडे को मैं यहाँ रख लेती हूँ, अब 1 बाय 1 सबको ऐड कर लेंगे। सोया सॉस, मैदा 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच है, लहसुन और अदरक है 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ, नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च है, मैंने तो मिक्स कर लिया है, और अब अंडा डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे अंडा डाल लिया है, अब हम इसमें रेड फूड कलर डाल लेंगे। ऑलिव ऑयल 2 चम्मच। ये रेसिपी जो है ये मेरी खाला ने मेरे साथ शेयर करी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आप भी इस रेसिपी को शेयर करिएगा। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, आप चाहे तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी ऑयल यूज़ करेंगे आपको 2 चम्मच ही यूज़ करना है। तो मैं इसे अभी साइड में रखूँगी तवे के लिए। अब इसके साथ जो सॉस यूज़ होती है, अब मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, तो सॉस बनाने के लिए हमने सबसे पहले नमक लिया है स्वाद अनुसार है, ये 1 चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच कद्दूकस की हुई लहसुन है, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और चीनी है 1 चम्मच, 1 चम्मच वाइट वेनेगर है, 4 सूखी लाल मिर्च और 1 टमाटर है। जो टमाटर है इसको हम कट लगा लेंगे यहाँ से। तो अब टमाटर को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो अब हम इसमें अपनी लाल मिर्च भी डालेंगे, फिर इसमें 1 कप पानी डाल के इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब इसमें 4 से 5 मिनट बॉईल होने के लिए रख देंगे। बॉईल होने के बाद दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। बॉईल होने के लिए रख तो दिया है, अब आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो ये हमारे टमाटर जो है बॉयल हो गया है, अब मैं टमाटर और मिर्ची को निकाल लूँगी साइड में ठंडा होने के लिए, और जो पानी है इसका उसको मैं फेंक दूँगी साइड। तो पानी फेंक देती हूँ। तो टमाटर जो है हमारा ठंडा हो गया है, टमाटर के छिलका उतार के और इन दोनों का हम पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के। टमाटर है हमने इसको छोटा छोटा काट लिया है, तो हम अभी इसे पीस लेते हैं, फिर पीसने के बाद बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये हमने मिर्ची और टमाटर को पीस लिया है, पीसने के बाद ये थोड़ा ऐसे दिखता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आगे हमने कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाल लिया है, अब मैं इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो गरम हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन
डाल के भून लेना है। तो इसे भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल के हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए वो अच्छे से पका लेंगे। तो इसे भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने बाकी के जो सॉस हैं ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, ये सोया सॉस है, चीनी और वाइट वाइनेगर। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो इसे भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमने चीनी तीखा बैलेंस करने के लिए डाली थी। तो हमारी सॉस हो गई है, तब हम इसे उतार लेते हैं। चटनी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं तेल इससे अलग हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। आप इस सॉस को एयरटाइट डब्बे में 1 से 1.5 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चटनी तो हमारी हो गई है, अब हमें आगे ये करना है कि आगे हम तो ये जो हमारे जो चने हैं इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अभी तो फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो गया, तो मैं पहले नमाज अदा कर लेती हूँ फिर बाद में आपको फ्राई करके बता देती हूँ। जी सॉस है जो हमारी बहुत ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें 2 चम्मच केचप डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये जो लहसुन जो थी हमारी, हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए भिगा देंगे साइड में रख देते। ये जो हमारा जो तेल है ये अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने इसे फास्ट फ्लेम पे गर्म किया है। और जो हमारे जो चने हैं इसे हम 1/8 कप डालेंगे। तो अगर हम एक साथ अपने सारे डालेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो अभी इसे फ्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए हमारे फ्राई हो रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं ये सारे अलग अलग हैं, तो कलर भी बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। ये देखिए हमारे इतने हो गए, अभी मैं ऐसे ही सारे कर लूँगी। आप देख सकते हैं सारे के सारे अलग अलग हैं, ये बहुत क्रिस्पी भी हैं। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको रेशा करके दिखाती हूँ। ये रेशम को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब रेशम को अच्छे से सोख करके उसी तेल में जिसमें हमने चने को फ्राई किया था उसी में फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये तो हो गया, अब उसे फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ। ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो चुके हैं, तो अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छे से आया है, बहुत अच्छे से हुआ है। तो मैं आपको डिशा करके अभी दिखाती हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, डिशा तो हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो अब हम दस्तरखान की तरफ चलते हैं। हो गया है दस्तरखान पूरा लग गया है, अभी अजान के टाइम में तब तक हम दुआ मांगेंगे। और अब तक मैं जो जो मैंने बता देती हूँ, चना है, सैंडविच है, मटर की घुगनी बनी है, मेलन है, चिप्स है, समोसा है, कटे गए ट्राइंगल्स हैं, वाटरमेलन है, खजूर है, केले हैं, कौन सा लादे पानी है,
सब है, तो अभी अजान के लिए टाइम है, तो दुआ मांगने हैं लोग अभी। देखिए तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप दुआ के चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।